छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। तवांग में चीनी सेना से हुई झड़प के बाद अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर गए रक्षा मंत्री ने LAC पर दो टूक कह दी कि अगर भारत पर युद्ध थोपा गया तो हम करारा जवाब देंगे। वहीं इसके साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन को ललकारते हुए यह भी कह दिया कि भारतीय सेना सीमा पर किसी भी चुनौती का सामना कर सकती है। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत युद्ध में विश्वास नहीं करता, लेकिन सीमा पर किसी भी चुनौती और क्षेत्र की रक्षा करने की सामर्थ्य रखता है। रक्षा मंत्री ने कहा, सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास कार्य मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। वहीं अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए भारत प्रतिबद्ध है। इसका उद्देश्य निरंतर विकसित हो रहे वैश्विक परिदृश्य के कारण उत्पन्न होने वाली भविष्य की चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए मजबूत और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। अपने इस दौरे में राजनाथ सिंह ने सियांग जिले में चीन के साथ अरुणाचल प्रदेश की उत्तरी सीमा के करीब सियोम नदी पर 100 मीटर लंबे पुल का उद्घाटन किया। वहीं उन्होंने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सियोम पुल के अलावा सीमा सड़क संगठन BRO की परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया, जिसमें करीब 21 पुल, 3 सड़कें और अन्य प्रोजेक्ट शामिल हैं। राजनाथ सिंह ने यह भी कहा, दुनिया आज कई युद्ध और संघर्षों की गवाह बन रही है। सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास कार्यों के जरिए हमें सुनिश्चित कर रहे हैं कि देश किसी भी तरह के खतरों से सुरक्षित रहे। इस दौरान अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू, स्थानीय सांसद तापीर गाओ, सेना के पूर्व कमान के अधिकारी वहां मौजूद रहे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए आजकल न्यूज। नमस्कार।